इन बर्ड्स का ट्रीटमेंट कोई नहीं कर रहा था, इसलिए इनको कोई ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ पर इनको ले जाया जा सको और इनका इनको ट्रीटमेंट मिल सके। को ह्यूमन से भी थोड़ा दूर रखते हैं कि इनको, क्योंकि इनको वाइल्ड में सर्वाइव करना होता है। अगर ये ह्यूमन से इंटरेक्ट होंगे तो फिर ये इनको सर्वाइव करने में दिक्कत होगी। जैसे आप बस लैंड नहीं थी तो हमने अपने घर का इस्तेमाल किया, आप बस फाइनेंसिस नहीं थे तो हमने अपने पॉकेट से फंड्स लगाए, हमारे पास मैन पावर नहीं थी तो हम खुद वो काम करने लगे। पहले बर्ड लेकर आए हम, जो शुरू के कुछ बर्ड्स थे वो इसलिए लेकर आए कि एटलीस्ट अगर इनको हम बचा नहीं सकते तो उनको एक जगह दे सकते हैं जहाँ पर ये सुकून से मर सकें। एनसी हैंगआउट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू की टीम के साथ हैं। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू वही संगठन है या वही क्लिनिक है जिस पर ऑल दैट ब्रीथ्स, जो फिल्म ऑस्कर तक गई थी शौनक सेन की, वो इन्हीं लोगों पर बनी है। तीन ये भाई हैं, नदीम जी मेरे साथ हैं, साउद जी हैं, सालिक मेरे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे इनके काम के बारे में, फिल्म जो बनी थी उसका क्या प्रोसेस रहा था, उसके बाद जो स्क्रीनिंग्स पूरे दुनिया भर में मेरे ख्याल से 22-23 से ज़्यादा हुई हैं, उसका क्या पूरा प्रोसेस रहा था, तो इस सब के बारे में बात करते हैं। आइए एनसी हैंगआउट के इस एपिसोड। थोड़ा इसके बारे में बताइए सोच भाई, कि कब आपने शुरू किया, किस सन में और किस तरीके से शुरू हुआ, और फिर कैसे कैसे आपकी नॉलेज बढ़ी पक्षियों के बारे में, कि आप देखकर पहचान पाए कि ये मेल है फीमेल है, इसकी इतनी एज होगी, इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये लगभग हम जो पहला बर्ड अपने यहाँ लाए थे वो 2003 में लाए थे, तो उस टाइम में सबसे बड़ा इशू हमारा था कि बर्ड को हम ले तो आया, अब इसका क्या करें, हमको नॉलेज नहीं थी उस टाइम में। तो उस टाइम तो हमने वेटरनेरियन हमारे जान पहचान वाले थे, उनको हमने बुलाकर फिर इसका ट्रीटमेंट कराया था। और जो हमारे पास केसेस आते हैं ज़्यादातर आते हैं जो पतंग की डोर से अट जाते हैं ब्रीडिंग के बिना, तो उसमें एक एक इनका सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो करना होता है, जो भी इनकी मसल्स टेंडन स्किन बोन वगैरह जब कट जाती है तो उसको रिपेयर करना। वो स्लोली हम सीखते रहे और बाकी डॉक्टर्स के साथ में करते रहे, और इसके बारे में फिर हमने काफ़ी रिसर्च भी की है और उसमें काफ़ी जो ट्रीटमेंट है उसको हमने काफ़ी अच्छा कर बनाया है। जो हमारे ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो हमने US में भी प्रेजेंट किया है कॉन्फ्रेंस। आप डॉक्टर मानते हैं अपने आप को? नहीं, डॉक्टर तो मैं नहीं हूँ और मानता ही नहीं हूँ, बस ये कि इनके लिए कर रहे हैं काम, और बाकी ये कि जो मेडिकल प्रोसीजर है अब उसमें हम डॉक्टर्स के साथ में मिलकर रिसर्च कर रहे हैं, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है उसके अंदर जो ट्रीटमेंट है इनका। कितनी बर्ड्स हैं यहाँ पर ऊपर अगर हम बात करें, और कैसे कैसे बांटा हुआ है आपने, अगर थोड़ा बता पाए? ये लगभग 150 से 175 के अराउंड है यहाँ पे इस टाइम बर्ड, क्योंकि इनका नंबर इनके रिलेटिव नहीं है, सोरी इनके नंबर घटते बढ़ते रहते हैं। हाँ, क्योंकि ये ओपन रहता है तो बर्ड्स कई सारे यहाँ पे आ जाते हैं, जो बच्चे होते हैं वो आके अपना खाना खाते हैं फिर वो अपना निकल जाते हैं, तो नंबर इनका करेक्ट नहीं बता सकते। तो मतलब एक तरह से इनका रेस्टिंग प्लेस भी है जब ये पेड़ पे जाने के, ये जब तक वाइल्ड में सेटल नहीं होते तो जब तक ये आते हैं खाते हैं और अपना जाते हैं। और कैसे बांटा है आपने बर्ड्स को अगर आप बता पाएं? ये हमारा मेन इंक्लोजर है जिसमें जो बर्ड ठीक हो जाते हैं उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, और वो यहाँ पे अपने फ्लैंग प्रैक्टिस करके अपना यहाँ से चले जाते हैं, इनको स्लो रिलीज किया जाता है। और जो ये हैं इसमें अंडर केयर हैं जिनके ट्रीटमेंट चल रहा है, जो फ्लाई कर सकते हैं लेकिन अभी अंडर केयर हैं, इनकी टैबलेट वगैरह और इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं इन्हें। ये फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे? हाँ, ठीक हो जाएंगे, जब ये ठीक हो जाएंगे तो इनको फिर यहाँ शिफ्ट कर देंगे। और इसमें बच्चे हैं जो अभी उड़ना सीख रहे हैं। हाँ, अभी छोटे हैं, उनको अभी मेन एनक्लोजर में नहीं छोड़ सकते हैं, तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इनको रिलीज किया जाएगा।
और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में इजिप्शियन वल्चर्स हैं, ये वल्चर्स हैं, ये भी इंजर्ड हैं अभी, इसमें कुछ का विंग एम्पुटेट है जो कभी फ्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कोई रिश्ता सा बन जाता है बर्ड्स के साथ, मान लीजिए आपने किसी को ट्रीट किया, किसी की मरहम पट्टी की, वो नहीं बच पाया, क्योंकि डॉक्टर वाला काम ही है ना एक तरह से, और आपके सामने मान लीजिए करते करते कोई मर गया, बहुत ज़्यादा इंजर्ड आया, उस फीलिंग के बारे में अगर आप बताएं। नहीं, हम इनको ज़्यादा अपने से लगाव नहीं लगाते। कैसे रोकते हो आप ये होने से? नहीं, रोका जा सकता है, जैसे आते हैं तो उनको ट्रीटमेंट दे के उनको फिर यहाँ छोड़ देते हैं, इनको ह्यूमन से भी थोड़ा दूर रखते हैं कि इनको, क्योंकि इनको वाइल्ड में सर्वाइव करना होता है, अगर ये ह्यूमन से इंटरेक्ट होंगे तो फिर ये इनको सर्वाइव करने में दिक्कत होगी। और कब से कर रहे हैं आप ये? मैं 2017 से यहाँ पे कर रहा हूँ, और बाकी उससे पहले मैं एज ए वॉलंटियर काम करता था। अब तो इंस्टाग्राम पे भी एकदम फेमस हो। हाँ, जब डॉक्यूमेंट्री बन गए तो उसके बाद से काफ़ी फॉलोवर्स बढ़ गए मेरे, और फेसबुक पे भी काफ़ी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हैं। लोग कहते हैं आप चीज़ों को बताते हो, खुश होते हैं लोग। और अपने 28,000 तक बर्ड्स अभी तक ट्रीट कर सकते हैं, हमने रेस्क्यू किए हैं, हमारे पास जो केसेस हैं वो आए। मैं सारे गाइड से भी यही बात पूछ रहा था कि आप लगातार, क्योंकि आज ही हम गिन रहे थे 14 हैं आज का इनटेक, और ये शायद कम है नॉर्मल डेज के हिसाब से, या फिर जब एक्सट्रीम होता होगा तो और ज़्यादा जाता हो। इतने सारे बर्ड्स आप ट्रीट कर रहे हैं, मैंने यही बात सारिक भाई से ऊपर पूछी थी, कभी होता है कि ऐसे अटैचमेंट बन जाए किसी बर्ड के साथ, मान लीजिए आपके हाथ में किसी की जान चली जाए या आपने किसी को ट्रीट किया है वो मर जाए, तो वो जो इंसान और ब्लैक काइट का रिश्ता है वो कितना इमोशनल है आपके लिए, अगर है तो, या नहीं है तो किस तरीके का ये कनेक्शन? जब शुरू में हमारे पास केसेस काफ़ी कम आते थे तो उस टाइम में हमको अटैचमेंट इनसे काफ़ी होती थी, जैसे कि हम पहले बर्ड्स के नाम भी रखा करते, जो केसेस हमारे पास आते थे जो उस केस को लेकर आता हमने सब उसका नाम दे दिया करते, जैसे कि आप अगर लाए हैं तो हम जो आपका नाम है हम उसको बर्ड को दे दिया करेंगे। उस टाइम में केसेस भी काफ़ी कम आते थे, जैसे कि मंथ में 2 या 3 केसेस आ गए हैं बस, तो उस टाइम में बर्ड्स के साथ हमें काफ़ी अटैचमेंट हो जाया करता था, और कभी अगर वो उसकी डेथ होती थी तो हमको काफ़ी अफसोस होता था उस टाइम। तो आपको लगता है कि हमने इंसानों ने जो स्पीशीज़ है, जो नेचर है, जो इन्वायरमेंट है, उनको उनका ड्यू क्रेडिट दिया है कभी, या हम जो है विकास करते रह गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते रह गए और उनको कहीं हमने पीछे छोड़ दिया, उनका नुकसान भी किया? जैसे कि हम इंसान यहाँ पर आए और हमसे पहले एनिमल्स ही रहा करते थे, तो जो उनका जो हैबिटेट है हमने उनसे छीना तो है और उसको अपने हिसाब से बनाया। जैसे कि आप अगर देखेंगे कि कुछ स्पीशीज़ हैं जिनके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए और कुछ स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई, जैसे कि ब्लैक काइट। ब्लैक काइट को जो भी हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो ये उसके साथ में ये जो इनका फूड है वो हमारा वेस्ट है, हमारे लिए कूड़ा तो करती हैं साफ, लेकिन इनको जो प्रॉपर डाइट वो नहीं मिलता, उसकी वजह से काफ़ी केसेस आते हैं हमारे पास, इनके जो बच्चे हैं उनमें एक टाइप का डिजीज होता है MBD, मेटाबॉलिक बोन डिजीज, जो मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता, जिसमें उनकी जो बोन्स होती हैं वो बैंड हो जाती है। तो जैसे इस साल अगर हम देखें तो हमारे पास लास्ट ईयर से ज़्यादा केसेस आए हैं MBD के, और लास्ट ईयर से इसमें ऐसे ही होता है कि कभी ज़्यादा केसेस आते हैं किसी साल केसेस कम आते हैं इसके, लेकिन इस साल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बर्ड्स लेकर आए थे, तो हमने पहले देखा कि दिल्ली सरकार के भी लोग आए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कौन कौन लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट उनका जो फिक्स सेंटर है। अच्छा, सेंटर बोल रहे थे तो मुझको लगा कि सेंटर, ये वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के थे, ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। ओके, इनको ऑपरेट कौन करता है? दिल्ली सर। दिल्ली सर। कहाँ कहाँ से बर्ड्स आपके पास, क्योंकि आप खुद भी कलेक्ट करते हैं कुछ जाकर जो आपको पास कॉल आती है, लेकिन अगर सरकारी हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो कौन कौन लोग लेकर आते हैं? दिल्ली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट,
दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बाकी दूसरे जो ऑर्गन बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो हमारे नंबर भी लोग उससे शेयर करते हैं और कई बार लोग कॉल करके बोलते हैं कि कॉर्पोरेशन से आपका नंबर मिला है। और बाकी दूसरे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर हम जाकर बर्ड्स लेकर आते हैं, ऐसे लगभग कोई 4-5 हॉस्पिटल हैं दिल्ली भर में जहाँ से हम बर्ड्स ऑफ प्रे लेकर अपने सेंटर में आते हैं। और सरकार कुछ एड भी देती है आपके सेंटर? मेरे लिए फिलहाल कोई फाइनेंशियल एड तो नहीं है, बाकी वैसे हम उनके साथ ही काम करते हैं दिल्ली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कुछ ऐसा है प्रोसीजर इसके लिए आप अप्लाई कर सके कि हमारी हम ये काम कर रहे हैं फाइनेंशियली मदद की? हमने पहले अप्लाई तो किया था लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो लेट्स होप अगर आगे कुछ हो पाता है तो वी आर होपफुल। किस तरह से अगर हम फाइनेंसिस को देखें तो, क्योंकि ये सेंटर चल रहा है यहाँ पे, इसको चलाने में भी खर्चा है, बर्ड्स के इलाज में भी खर्चा लग, क्या फाइनेंसिस है आपके, कहाँ से आपको पैसा आता है, कहाँ से आप रेज कर पाते हैं, किस तरह से आप पे करते हैं अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को, थोड़ा अगर इस बारे में बताइए। अगर हम लास्ट 2 साल के एक्सपेंसेस देखें तो हमने 22 और 24 लाख एनुअली खर्च किया और ये सारे डोनेशन से आते हैं, जिसके अंदर लोकल डोनेशन भी हैं इंडिया से और कुछ फॉरेन डोनेशन भी हैं, जो हमारे पास FCRA परमिशन है तो हम फॉरेन से भी डोनेशन लेते हैं। और अभी जैसे हमारी फिल्म रिलीज हुई है तो उससे थोड़ा एक लोगों का ध्यान गया हमारे ऊपर, क्योंकि इंडिया में तो अभी रिलीज़ नहीं हुई इसलिए लोगों ने नहीं देखी, लेकिन बाहर काफ़ी लोगों ने देखी है और उससे लोग हमें डोनेशन देना चाहते हैं और वो हमें डोनेशन देते हैं। फिल्म के बाद से अगर हम बात करें किस तरीके का रिकॉग्निशन मिला है आपके काम को और कैसे आप लोग ग्रो कर पाए हैं और कैसे पहचान, क्योंकि सिर्फ आपने अभी बताया कि आप विदेश में भी गए, विदेशों में किस तरह का आपको काम को रिकॉग्निशन मिला है? लोगों को काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि हम अपने घर पे ये सब काम स्टार्ट किया, हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थी, उसके बावजूद भी हमारे पास जो कुछ बन पड़ा हमने उसको लिया और उसी से काम चलाया। जैसे आप बस लैंड नहीं थी तो हमने अपने घर का इस्तेमाल किया, आप बस फाइनेंसिस नहीं थे तो हमने अपने पॉकेट से फंड्स लगाए, हमारे पास मैन पावर नहीं थी तो हम खुद वो काम करने लगे। जैसे पहले पूरा दिन हमारा गुजर जाता था बर्ड्स को कलेक्ट करने में, हमने मोटरसाइकिल पर हम कलेक्ट किया करते थे, बाद में हमारे एम्प्लॉय जाके करते थे, लेकिन अब इतने केसेस आते हैं हमारे पास कि हम उसको जाकर रेस्क्यू नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी एक हमें ढूंढना पड़ेगा सोर्स कि कहाँ से हम इन सबको फाइनेंस कर सकें। तो सिर्फ गाड़ी खरीदना ही सोल्यूशन नहीं है, उसको रन करना भी चलिए मैनेज हो जाएगा, लेकिन दो लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा उसके लिए। हम उसी के हिसाब से ही अगर हम देखें तो हमें एक तो पीस ऑफ लैंड चाहिए गवर्नमेंट से, जिससे हम अपने एक हॉस्पिटल बना सकें, तो अगर कुछ लीज पर जगह मिल जाए तो हम उसको डेवलप कर सकते हैं अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। आप लोग डॉक्टर नहीं हैं, आपको कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिलती है, आप किसी हॉस्पिटल में काम नहीं करते हैं, ना सब कुछ आपने 10 साल तक खुद से ही चलाया, कौन सी चीज़ है जो सबके बावजूद मतलब एक तरह से मोटिवेट करती है कि यार ये करते रहना है? अभी तो लगा होगा ना इतने सालों में कि बस हो गया कि नहीं कुछ और काम कर देते हैं? बहुत बार ऐसा लगा है जिसमें हम कहते थे कि हम अपने आप को टाइम दे रहे हैं 1 महीने में बंद करना है, तो उस तरीके से काम लेके चल। तो और उसका मेन रीज़न क्या रहा, फंड, जो हमारे पास फंड जितनी जेब से लगा सकते थे उतने तो हमने लगाए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है कि अच्छा दूसरी बात ये कि जब हम काम छोड़कर हॉस्पिटल में अपने काम कर रहे हैं तो हमारा जो जॉब है, जो बिजनेस चल रहा है, वो सफ़र करता है, हम उसको टाइम नहीं दे पाते, वो टाइम हम हॉस्पिटल में लगा रहे हैं। तो हम आपस में ये बात करते थे कि जिस दिन हमारा बिजनेस बंद हो गया उस दिन हमारा हॉस्पिटल भी बंद हो जाएगा। फिल्म में एक लाइन है कि हम सब हवा की बिरादरी हैं, या एक और लाइन है कि ऑल दैट ब्रीथ्स, मतलब जो भी चीज़ें सांस लेती हैं उस पर फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है जो आप काम कर रहे हैं उसका क्या मकसद है, अगर हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें? हाँ, इसको मैं अगर आपकी एक और क्वेश्चन के साथ क्लब करूँ जो आपने पूछा था कि क्या मोटिवेट करता है आप, जब हमने काम शुरू किया था तो इन बर्ड्स को देखने वाला कोई नहीं, और जो उनको फर्स्ट एड दे भी पाते थे वो विद वेरियस रीजंस उनको खाना नहीं दे पाते थे, तो उनका डाइट डिफरेंट होता, तो उसकी वजह से हमने ये देखा कि हॉस्पिटल्स उनको लेने से मना करते थे और वो
गलियों में सड़कों पर पड़े पड़े वहीं भूख प्यास से मर जाते थे, क्योंकि उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता। तो उसको हमने जो पहले बर्ड लेकर आए, हम जो शुरू के कुछ बर्ड्स थे, वो इसलिए लेकर आए कि एटलीस्ट अगर इनको हम बचा नहीं सकते तो उनको एक जगह दे सकते हैं जहाँ पे सुकून से मर सकें, एटलीस्ट इनको भूख प्यास से नहीं मरना होगा, कोई गाड़ी चढ़ के नहीं मार दे। तो उसके बाद जब हमने देखा कि हमारे डॉक्टर ने जो इलाज किया उससे वो बर्ड उड़ पाए, तो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला कि क्यों ना ये काम हम मतलब एक स्टेज तक लाए, लाकर हम सक्सेसफुल रहे उनको उड़ाने में, यानी कि हम कर सकते हैं। तो हमारे माइंड में यही आता था कि जिस दिन हम उनको बंद ये सर्विस बंद कर देंगे तो वापस सड़कों पर आकर भूखे मरे। तो ये चीज़ हमें क्विट नहीं करने देती कि हम हथियार डाल दें, हम नहीं कर सकते। बर्ड्स को देखिए लेकर आना और अपने हॉस्पिटल में लाकर रखना एक ये अलग चीज़, उन बर्ड्स को आसमान में वापस उड़ाना, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा साइंस लगता है। आपको लगता है जिम्मेदारी है इंसानों की ये काम करना चाहते हैं, और क्योंकि इससे जो इससे जुड़ी हुई चीज़ ये भी है जो कि हम है कि हम कैसे या तो सरकारें या जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो पूरा तंत्र है वो किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट या कंजर्व करने के लिए और मेजर्स उठा सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और लगातार इंडस्ट्रीज बन रही हैं, लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लगातार चीज़ें उनके हैबिटेट के हिसाब से नहीं हो रही हैं। तो क्या इंसानों की जिम्मेदारी बनती है, और अगर बनती है तो कैसे इसको और कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स किए जा सकते हैं? देखिए, इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो है जैसे पोल्यूशन आपने बात किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बात कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन बात कर रहे हैं, एक ये हो गया जिससे हमने अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद किया और करते जा रहे हैं, वो उसका एंड नहीं दिख रहा फ्यूचर में। दूसरा एक बहुत छोटी चीज़ होती है जो इसमें, अगर ये पूरी पिक्चर देखें तो एक बहुत छोटा हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं पतंगबाजी, और वो इस्तेमाल कर पतंगबाजी में इस्तेमाल होती है मांझा या डोर। तो वो क्या होता है कि हम पतंग उड़ाकर पक्षियों को इंजर कर, हमारे ही हॉस्पिटल में कम से कम एक साल में 1,000 बर्ड्स ऐसे आते हैं जिनका विंग मांझे से कटा हो। इस अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा किलर ऑफ वाइल्ड लाइफ है इंडिया जो हम सीधा पतंगबाजी से करते। जो फिल्म ऑल दैट ब्रीन्स बनी है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बनने के बाद, एक तो पहली बार आपने देखी कब, कोई भी आप तीनों में से बता सकते? ये जब फिल्म का फाइनल कट हुआ, ये कुछ दिन पहले हुआ जब सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म सेलेक्ट हो गई थी, लेकिन उनके पास फाइनल प्रिंट रेडी नहीं था। तो उससे कुछ दिन पहले ही, मतलब समझ लीजिए जनवरी में हमने देखी, 2022 की जनवरी में। और जब हमने देखा पहले उसको, तो हमें एक जैसे अमन ने पूछा, शौनक ने पूछा हमसे कि कैसी लगी आपको फिल्म, तो हमारा यही था सहोदर मेरा कि ये बहुत डिफरेंट फिल्म है, ऐसी कभी हमने कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी नहीं। और ख़ासकर मैं तो शौनक से बोल ही रहा था कि आप तो पब्लिक को बोर कर दोगे इतनी स्लो फिल्म चलाकर। तो शौनक का भी कोई नहीं, आप देखो अगर जब ये रिलीज़ होती है क्या रिस्पॉन्स रहता है पब्लिक का। अब जैसे फिल्म के बाद जब रिलीज़ हुई, तो जब हम सनडांस के अंदर हमारा सिलेक्शन हुआ, तो काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि ऐसी बोरिंग फिल्म को देखने के लिए सनडांस वाले तैयार हो गए शोकेस करने के लिए। ग्रैंड जूरी अवार्ड जब हमें मिला, तो मतलब काफ़ी सरप्राइजिंग लगा। बाद में फिर कान फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्शन हुआ, अनबिलीवेबल लगा। फिर जब वो जीती गोल्डन आई, तो बिल्कुल एक अनबिलीवेबल सा लगा कि तो इन्होंने फिल्म ले ली, ये बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से हम जीत बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी जीत गए, लास्ट ईयर की सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म यही है। 24 हो गया। सऊद, आपसे मैं ऑस्कर के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ऑस्कर में गए थे आप लोग, वो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बहुत मतलब हाईएस्ट मेरे ख्याल से वहाँ पर था कि जब ऑस्कर में पहुँची है फिल्म, अकेडमी अवार्ड से नॉमिनेट हुई है, तो वो जो पूरा माहौल था ऑस्कर तक जाने का, उसके बारे में थोड़ा बताया। मैं बताऊँ तो ये मेरा लाइफ का फर्स्ट कोई अवार्ड फंक्शन जो मैं अटेंड कर रहा था वो ऑस्कर्स था। तो उसके लिए मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तो कभी सोचा नहीं था कि ये काम हमको वहाँ तक ले जाएगा।
और जब ये फिल्म बनना स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम में भी हमने कभी सोचा नहीं था कि ये फिल्म वहाँ तक जाएगी। कुछ मेमोरेबल, क्योंकि आप तो मतलब इंस्टाग्राम पे इतने बढ़िया एक्टिव है ना, आज भी फोटो आती है, मैं सोचता हूँ सालिक भाई कहाँ चले गए, फेस्टिवल तो सारे खत्म हो गए। आज जैसे कोई भी पोस्ट कर आपके पास फोटोज आती हैं तो आप लगातार उसको जो है पोस्ट करते रहते हैं, कुछ काफ़ी करता हूँ। हाँ, कुछ ऐसी मेमोरेबल चीज़ हुई हो इन इस सब के दौरान, जब आप बाहर गए हैं, किसी ने फिल्म के बारे में कुछ कहा, आपके काम के बारे में कुछ कहा? लोगों को काम हमारा सबको पसंद आया है, और जो डॉक्यूमेंट्री है वो भी काफ़ी लोगों ने पसंद करी हमारी डॉक्यूमेंट्री, और हमने भी कभी मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि बर्ड्स को काम ऐसा करते करते यहाँ तक जाएंगे, अंदर तक हमारी डॉक्यूमेंट्री जाएगी, किसी ने भी नहीं सोचा था कि नॉमिनेट भी होगी। चलिए बस तेरा आखिरी मतलब यहाँ पर आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि इसके बाद मतलब आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप यंगेस्ट हैं, आप लोग भी हैं, आप किसको आपको लगता है ट्रेनिंग दे सकते हैं, कौन इसको काम को आगे लेकर जाएगा? और हॉस्पिटल की बात आप कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल एक अच्छा ज़मीन पर बनाना है, तो वो सब क्या आपको लगता है कि लॉन्ग फॉर्म हम वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू का फ्यूचर अगर हम सोचें तो इस समय पर क्या आपको दिखता है? हाँ, मेनली हम तो लोगों को ढूंढते रहते हैं जो जिनमें एक पैशन हो, जो जिसकी ज़रूरत है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू को चलाने के लिए, क्योंकि ये कोई सीधा साधा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें बहुत बहुत मेहनत लगती है। बल्कि लॉन्ग टर्म में हम यही करते हैं कोशिश कि इसको हम सेल्फ डिपेंडेंट बना सकें, जो ये हमारे बिना भी चल सके। और जैसे कि पहले जब हमने इसको स्टार्ट किया था, जब से लेकर अराउंड 2015-16 तक ये जो चला है, लगभग इसमें 95% जो भी फंडिंग थी वो हम अपनी ही पॉकेट से करते थे। लेकिन अब हमने स्लोली इसको इस तरह से बनाने की कर रहे हैं कोशिश, इसके अंदर अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रहती तो ये भी स्मूथली चल सके। ऑटोग्राफ भी लेते हैं आप? ऑटोग्राफ और सेल्फी वगैरह तो बहुत रहता है। चलिए भाई, इनको फोटो खिंचवानी है सारी भाई के साथ। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू में जितनी भी चीलें हैं वो सब चाहती हैं कि आप सब न्यूज़ क्लिक को का चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you.